हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम सॉल्ट मार्च देखेंगे, सॉल्ट मार्च क्या का पूरा डिटेल, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस से कैसे स्टार्ट हुआ वो देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम पूरा स्टोरी सत्याग्रह के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल डेट कुड यूनाइट द नेशन। तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि महात्मा गांधी ने कुछ ऐसा चीज़ सोचा जो सबके यूज़ में आता हो, ठीक है, उस चीज़ को लेकर वो सबको यूनाइट करेंगे, वो उनका आइडिया था। तो उन्होंने सॉल्ट को चुना कि सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है, बहुत पावरफुल, एक इसको सिंबल बना के हम लोग यूनाइट कर सकते हैं। तो महात्मा जी ने ये डिसाइड किया कि सॉल्ट मार्च हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ऑन 31 जनवरी 1930 क्या किया, इस दिन उन्होंने एक लेटर भेजा, जो वाइसरॉय थे, वाइसरॉय इरविन, उनको एक लेटर भेजा, ठीक है। वो लेटर में क्या लिखा था, वो लेटर में थे 11 डिमांड्स थे। वो क्या डिमांड्स थे, वो डिमांड्स थे मतलब अलग अलग, कुछ डिमांड तो जनरल इंटरेस्ट के थे, जनरल इंटरेस्ट यानी कि जो सबके इंटरेस्ट में हो, जैसे कि सॉल्ट वाला जी, ठीक है। और कुछ डिमांड जो ऐसे थे वो कोई कोई क्लासेस से रिलेटेड थे, अपर क्लास, लोअर क्लास, ऐसे से रिलेटेड थे। कोई कोई डिमांड्स पीजेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनके लिए रखा गया था, ठीक है। तो टोटल 11 डिमांड्स थे, ठीक है। तो आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग, यानी कि वो उनका जो महात्मा गांधी का जो आइडिया था वो ये था कि हम ऐसे डिमांड रखें जिससे सारे नेशन के लोग इसमें जुड़ सकें, है ना। तो जो डिमांड में जो सबसे स्टीरिंग था, स्टीरिंग यानी कि जो सबसे थ्रिलिंग डिमांड था, वो यही था कि सॉल्ट टैक्स, जो सॉल्ट में टैक्स लग रहा है उसको हटाया जाए, उसको एबोलिश किया जाए। तो सबसे स्टीरिंग डिमांड जो था वो यही था, ठीक है। सॉल्ट जो चीज़ है वो क्या है, रिच और पुअर दोनों ही कंज्यूम करते हैं, तो वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है फूड का, ठीक है। तो जो सॉल्ट टैक्स है उसको हटा के क्या होगा, सबसे जो बेस्ट डिमांड जो बोल सकते हैं वो इनके यही था कि सॉल्ट जो टैक्स है उसको हटाया जाए। तो जब महात्मा गांधीज लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम, ठीक है, जो महात्मा गांधी जो लेटर भेजे थे वो लास्ट वार्निंग दिए थे, वो एक तरह से लास्ट वार्निंग था वाइसरॉय इरविन के लिए, ठीक है, कि अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो हम एक फिर से एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लिखा है, इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च द लेटर स्टेटेड, लेटर में क्या लिखा था कि कांग्रेस क्या करेगी, लॉन्च करेगी सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, वो कुछ क्लियर नहीं बताना चाहते थे, वो कुछ इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते थे, ठीक है, ये डिमांड्स के बारे में। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च एकम्पेन्ड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो उन्होंने 78 अपने वॉलंटियर्स के साथ गांधी जी ने क्या किया, सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो ये मार्च जो था उसमें 240 माइल्स का ये था, ठीक है, 240 यानी कि 240 माइल्स एक माइल में होता है 1.6 किलोमीटर के आसपास होता है, तो 240 माइल्स उनको जाना था, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, साबरमती जो आश्रम था वहाँ से लेकर डांडी तक उनको जाना था। अब डांडी जो था वो कोस्टल एरिया था गुजरात का, जहाँ समुद्र तटी जो स्टेट होता है, जो जगह होता है वो था, ठीक है, जहाँ से सॉल्ट वो लोग वहाँ बनाते और सॉल्ट जो उसको ब्रेक करते, जो उन लोगों का लॉ है सॉल्ट से रिलेटेड उसको ब्रेक करते, है ना। तो जो सब थे, जब जा रहे थे लोग, गांधी जी लोग, तो उन्होंने 10 माइल एक दिन में चला और 24 डेज में उन्होंने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। रास्ते में गांधी जी को बहुत सारे लोग सुनने के लिए आते थे, तो गांधी जी उनको स्वराज का मतलब बताते थे और उनसे ये अर्ज करते थे, उनसे ये रिक्वेस्ट करते थे कि आप ब्रिटिश का जो लॉ है उसको मानो मत, उसको एबोलिश करो और पीसफुली प्रोटेस्ट करो, ऐसे उनको महात्मा गांधी सबको समझाते थे, ठीक है। तो 6 अप्रैल को क्या हुआ,
He raised Gandhi and violated the law manufacturing salt by boiling sea water. तो boiling करके sea water का उन्होंने salt बना लिया, ठीक है. This marked the beginning of, तो इससे क्या हुआ, beginning हुआ civil disobedience movement का, ठीक है. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले भी हुआ था 1921 से 1922 के आसपास में वो भी हुआ था, लेकिन इस बार क्या था, इस बार ये था कि आपको कॉर्पोरेट नहीं करना है ब्रिटिश के साथ, साथ में उनका जो लॉ है उसको तोड़ना भी है. इसमें ये दोनों चीज़ आ गया था, ठीक है. फिर क्या हुआ, थाउजेंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, तो बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, उसके बाद सॉल्ट बनाया, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन किया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन किया, ठीक है. गवर्नमेंट के फैक्ट्रीज़ के, सॉल्ट फैक्ट्रीज जो था उनके सामने में उन्होंने प्रदर्शन किया लोगों ने, ठीक है. तो जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ तो क्या हुआ, फॉरेन क्लोथ को बॉयकॉट कर दिए, छोड़ दिए, लिक्वर शॉप को बंद किया गया, ठीक है. उसके बाद पीजेंट रिफ्यूज़ टू पे रिवेन्यू, उसके बाद पीजेंट लोगों ने क्या किया, रिवेन्यू पे करने से मना कर दिया, ठीक है. टैक्स पे करने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स. विलेज के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया. एंड मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल, और क्या वो फॉरेस्ट के एरिया में जो लोग थे वो फॉरेस्ट में जाना मतलब स्टार्ट कर दिए, और जाके वहाँ पर अपना जो भी उनका फूड वुड है और अपने कैटल्स को ग्रेज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है. तो ये सब चीज़ होने लगा जब सॉल्ट लॉ, जब दांडी मार्च हुआ उसके बाद से. अब क्या हुआ, ये सब चीज़ देख के अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर लग गया, वो चिंता में हो गए कि अच्छा अब ये लोग हम लोग के अपोज कर रहे हैं, ब्रेक को, लॉ को तोड़ रहे हैं. तो उन्होंने क्या किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो अरेस्ट करना चालू कर दी कांग्रेस लीडर्स को, एक बार एक एक करके उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक एक करके कांग्रेस लीडर को अरेस्ट कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. तो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने अब्दुल गफ्फर खान, जो कि एक बोल सकते हैं स्टूडेंट थे महात्मा गांधी के, ठीक है, डिवोट डिसिपल, जो डिवोट डिसिपल यानी कि जो उनके कदम चरण पे चलता है, उनकी बात मानता है, उनके स्टूडेंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, उनका शिष्य थे, ठीक है, उनके शिष्य थे वो. तो फिर उनको सबसे पहले अरेस्ट किया गया 1930 में, अप्रैल 1930 में जब वो अरेस्ट हुए, तो क्या हुआ, जो लोग थे वो एंग्री क्राउड्स यानी कि जो गुस्से में जो लोग थे वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन करना चालू कर दिए, प्रदर्शन करना चालू कर दिए पेशावर में, ठीक है. और उसमें क्या किया, बहुत सारे लोग वो वहाँ पर उनकी डेथ भी हुई, ठीक है. एक महीने बाद जब महात्मा गांधी को खुद अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे शोलापुर में वो क्या किए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया. अब वो गलत तरीके से करने लगे, वो पुलिस पोस्ट ऑफिस और जो भी स्ट्रक्चर जो था, जो ब्रिटिश रूल का जो भी बिल्डिंग्स थे वहाँ पर वो लोग अटैक करने लगे, ठीक है. तो जो गवर्नमेंट थी अब उन्होंने भी ब्रूटल एक्शन चालू कर दिया, वो भी अब मारने पे उतर आया. तो क्या हुआ, उन्होंने भी अटैक किया, तो क्या हुआ, पीसफुली सत्याग्रहीज पर अटैक हुआ, तो वुमेन चिल्ड्रेन उनको मारा गया, और लगभग 100,000 लोग जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया. अब ये सिचुएशन वायलेंट होने लगा था, अब उल्टा लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगा था, उनको मारने लगे थे. तो महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि चलो ठीक है, अब इसको बंद करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह वायलेंस होने लगा है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट जो है वो साइन करने के लिए महात्मा गांधी रेडी हो गए. उस पैक्ट में क्या था, एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता, मतलब एक कॉन्फ्रेंस होता, मीटिंग होता, कहाँ पर होने वाला था, ये लंदन में. तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जो कि महात्मा गांधी अटेंड किए थे. फर्स्ट भी हुआ था जिसमें महात्मा गांधी अटेंड नहीं किए थे, ठीक है. तो ये लंदन में होता, ठीक है. तो गांधी जी ने मतलब एग्री कर लिए कि चलो ठीक है, हम ये गांधी इरविन पैक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो कि जो गांधी जी का डिमांड हो वो फुलफिल हो. पैक्ट कब हुआ था, 5th मार्च 1931 में हुआ था,
ठीक है। इन दिसंबर 1931, हाँ यहाँ पर क्या किया है, क्या लिखा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज। फिर क्या हुआ, जब ये पैक्ट में आए वो 5 मार्च 1931 को, तो प्रिजनर जो कैद करके रख लिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो लोग क्या किए, वो लोग छोड़ दिए, ठीक है उनको। दिसंबर 1931 को फिर से गांधी जी लंदन, मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए ही लंदन गए, और वहाँ से वो फिर से डिसअपॉइंटेड होकर रिटर्न बैक आ गए। जब वो रिटर्न बैक आए इंडिया, तो उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो एक नया रिप्रेशन चालू कर रही, मतलब कर दिया है उन्होंने, एक नया तरीका चालू कर दिया है लोगों के ऊपर अपना वो जमाने का। उसमें क्या हुआ था, उन्होंने देखा कि जो गफ्फर खान थे और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो दोनों जेल में थे, ठीक है, और कांग्रेस को इलीगल बोल दिए थे, ब्रिटिशर्स जो थे वो बोल दिए थे कि कांग्रेस इलीगल है, ठीक है। बहुत सारे मेजर्स वो लोग अपना रहे थे, बहुत सारे लॉज बना दिए थे, रूल्स बना दिए थे कि मीटिंग ना हो पाए लोगों का, ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन, बॉयकॉट, ये सब चीज़ ना हो पाए। तो उन्होंने जब गांधी जी वापस आए तो ये सब उन्होंने देखा विद ग्रेट एप्रीहेंशन, यानी कि बहुत सोच समझ के, डर बूझ के उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, अब फिर से रीलॉन्च करो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ठीक है। उन्होंने फिर से रीलॉन्च किया बहुत ही डर के। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक साल तक चला ये ठीक ठाक थोड़ा, उसके बाद फिर 1934 के आसपास मोमेंटम उसका लूज़ हो गया, यानी कि लोगों ने अब उसमें इंटरेस्ट दिखाना बंद कर दिया, ठीक है, तो ऐसे ही बंद हो गया। तो ये था पूरा सॉल्ट मार्च का, जो पूरा NCERT बेस मैंने समझाया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, बाय। ये फोटोज़ हैं सॉल्ट मार्च की, जब उन्होंने सॉल्ट बनाया था, ये महात्मा गांधी और ये बाकी उनके जो भी वॉलंटियर्स थे वो, ठीक है। ये साबरमती आश्रम है जो, जहाँ से उन्होंने चालू किया था अपना सॉल्ट मार्च, ये आश्रम। इसके बाद ये अब्दुल गफ्फर खान की फ़ोटो है जो महात्मा गांधी के साथ, तो ये अब्दुल गफ्फर खान है। ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था, यहाँ पर ये महात्मा गांधी बैठे हैं, और ये मतलब कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, जिससे महात्मा गांधी डिसअपॉइंटेड होकर वापस आए थे, ठीक है।